अरे भाई मुझे दे दे, आप गिरा मत दीजिएगा। अरे भी मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, मेरी नवासी, मैं इसके साथ खेलूं, जो मजी करूं, मेरी पारी सी गुड़िया है ना, तक तक दम 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 तारम। मेरी नवासी है, मेरे पास रहेगी, आपके पास मैं क्यों दूं इसे, है ऐसे ही दे दूं। अरे रुकैया, अल्लाह की कुदरत को देखो, हम औलाद की कमी को महसूस करते थे, उसने मीरा भेज के तो एक बेटी अता कर दी, और छोटी सी ये पाली सी मीसम भेज कर हमें नाना नानी भी बना दिया। बेशक, मैं तो कहती हूँ अब ये घर में जो रौनक है ना, ये मीरा और मीसम के दम से ही है। भाई मैं अब मीरा को कहीं भी नहीं जाने दूंगी, जब तक हमारी जिंदगी है ना, वो हमारे साथ ही रहे। इंशाल्लाह। मैं दूध बना के ले आऊं, काफी देर हो गई है, इसको भूख लग रही है। ठीक, आप जाके दूध लेके आए, नाना जो है वो अपनी ज्योति नवासी के साथ खेलेंगे, मैं नवासी के साथ बातें कर लूं, आप जाए। और तो माँ बेगम ने जिस लड़के का बताया, अच्छा लड़का है, कंसिडर करो। माँ बेगम को इनकार कर चुकी हूँ मैं। शादी तो करनी पड़ेगी। सबको ही करनी होती है, मैंने भी की थी। ऐसी शादी का क्या फायदा जो तुम पर मुसल्लत की गई? देखा अंजाम क्या हुआ? जरूरी नहीं कि वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो। ये सिर्फ एक शर्त पे मुमकिन है। कि अगर मैं उस इंसान के साथ शादी करूं जिससे मैं चाहती हूं, वरना ऐसा रिश्ता नहीं निभा सकती जिससे छुटकारा सिर्फ भाग जाने में। मीरा क्यों भागी, क्या वजह थी उसके भागने में, उसकी ज्यादा गलती थी या मेरी, ये सिर्फ मैं जानता हूं। सिर्फ इस बात को वजह बनाकर इनकार मत करवाया। अच्छा लड़का है, सोचो उसके बारे में। मुत्तसिम देखो मेरी तरफ। देखो, नजर नहीं आता तुम्हें? एक तरफा मोहब्बत ने मेरा क्या हल कर दिया? घुट घुट के मर रही हूं, लेकिन ना तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर आती है, ना चाहत, ना कुर्बानी, कुछ भी नहीं। बताओ, अगर कोई कमी रह गई है वो भी पूरी कर देती हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे अच्छी तो मीरब निकली।
उसकी बेवफाई मेरी वफा से जीत गई। मैं अपना आप नहीं मनवा सकी, ना उसकी मौजूदगी में ना उसकी गैर मौजूदगी में। पता है तुम्हें कितनी मोहब्बत करती हूं तुमसे। लेकिन नहीं, जो चीज आसानी से मिल जाए वो नहीं चाहिए। काश काश तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर आती मुर्तसिम। रुको, उससे शादी नहीं करूंगी। या तुम या फिर कोई नहीं। लेकिन उससे पहले एक बात सच सच बताओ मुझे। झूठ मत बोलना है प्लीज। जिस दिन मीरा यहां से गई तुम वहां थी। सुन रहा है मेरी आवाज? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? खान की बीवी घर से निकल गई है, ना ड्राइवर साथ में है ना मुलाजमा। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है मेरी बात? हेलो हेलो, कोई नहीं सुन। किसको बताऊं, कैसे बताऊं? अगर मैं वहां होती तो मेरे बाद यहां होती।